साथियों, बिहार के लोग भूल नहीं सकते जंगल राज के वो दिन। मैं जरा याद कराना चाहता हूं, और मैं जो 35, 40 ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को, अपने घर के जवान बेटों को, बेटियों को ये बात बार बार याद कराइए, बार बार उनको बताइए आपने कैसे दिन देखे थे। एक एक घटना मैं आज याद कराना चाहता हूं, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू निकल पड़ते हैं। क्या बिहार में वो दिन दोबारा आने देंगे? आपको याद है, लोग अपनी मेहनत के पैसों से, दिन रात धंधा करके जो पैसे बचाए, और अगर गाड़ियां खरीदने के बाद शोरूम से बाहर निकलने से पहले ही नई गाड़ी खरीद के निकले हैं, लेकिन खुद ही गाड़ी पे खरोंच कर देते थे, गाड़ी को पुरानी बना देते थे। सोचिए, अपनी चमचमाती गाड़ी का जो पेंट होता था, मालिक खुद ही उसको खराब कर देते थे। कई बार खुद ही शोरूम में खड़ी अपनी कार में डेंट लगा देते थे। क्यों ऐसा करना पड़ता था? किसको अपनी नई गाड़ी, अपनी मेहनत से कमाई गाड़ी को इस प्रकार से बदरूप बनाने की क्यों इच्छा होती है? उसका कारण था ताकि शोरूम से बाहर निकलते ही कोई उनकी नई गाड़ी देख करके लूट न ले, ये डर रहा करता था। ताकि अगर उनकी गाड़ी दिखने में जरा खराब लगती है, बेकार लगती है, पुरानी लगती है, तो फिर ये लुटेरों की नजर नहीं पड़ेगी, और इसलिए शोरूम से ही ऐसे गाड़ी निकालनी पड़ती थी। भाइयों और बहनों, बिहार ने वो दिन भी देखे हैं जब रंगदारी की शिकायत करने के लिए, अगर रंगदारी की शिकायत करने के लोग किसी के पास अगर गए भी तो उन्हें डबल रंगदारी देनी पड़ती थी, चार्ज बढ़ जाता था। तुमने शिकायत क्यों की, ये सजा। गाड़ी लूटी जाने की शिकायत करने के लिए लोग जिसके पास अर्जी लेकर जाते थे, वो खुद लुटेरों के साथ घर में बैठा मिलता था। ये सारी घटनाएं बिहार के पुराने लोग जानते हैं। लोग अपने घरों को सामने से सजाते नहीं थे, बड़े घर बनाने से डरते थे, अपने ही घर को सामने से पुराना ही रंग रूप रखा करते थे। उन्हें डर था, खौफ था, अगर घर जरा बड़ा लगा, अच्छा लगा, तो किडनैपिंग उतनी ही किडनैपिंग जल्दी हो जाएगी। घर जितना बड़ा, रंगदारी भी उतनी बड़ी। ये हाल कर दिया था इन लोगों ने बिहार का। इसलिए आप लोगों को जंगराज वालों से बहुत सावधान रहना है, जंगल राज के युवराज से सतर्क रहना है।